हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं द मॉन्क्स किचन में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों के लिए क्या बनाया जाए। आज सुबह मार्केट गया, हलवाई की शॉप दिखी, तो वहां पे जो डिस्प्ले काउंटर्स होते हैं वहां पे मेरी नज़र पड़ी इस स्नैक पे, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गुजराती स्नैक है, इसका नाम है खांडवी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, लेकिन बनाने में थोड़ी सी ट्रिकी, इतनी ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस रेसिपी के जो हैं दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, एक है आपका बेसन और दूसरा है आपका दही। आप यहाँ पे छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो रेशियो रहने वाला है वो आपको जो फॉलो करना है वो होगा 1:1:2, मतलब एक भाग बेसन, एक भाग दही और दो भाग पानी। मतलब अगर आप एक कप बेसन यूज़ कर रहे हैं तो एक कप दही यूज़ करिए और दो कप पानी यूज़ करिए। अब कई बार क्या होता है कि घर में दही अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मट्ठा है, तो अब हम मट्ठे से भी इस डिश को बना सकते हैं, बट वहाँ पे क्या है थोड़ा सा जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप रखिए हाफ कप, और अगर आप मट्ठा यूज़ कर रहे हैं तो वो जाएगा एक कप। सिंपल है, क्योंकि दही गाढ़ी होती है तो उसको हम हाफ कप रखेंगे, मट्ठे में क्या है पानी मिला हुआ होता है तो वो हो जाएगा एक कप। तो ये सिंपल सा रेशियो जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में एक कप बेसन लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप दही। हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, तो अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब जो ये हमारा मिक्सचर होगा इसको हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको फेंटेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटा है, और अब ये देखिए हमारा जो दही है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट, और एज पर द रेशियो जो वाटर हमारा बचा हुआ है पानी, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो बस अब पानी हमने डाल दिया है, तो हम थोड़ा सा इसको विस्क और करेंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं आपस में सब मिल जाए। ये जो बढ़िया सा बैटर तैयार हो चुका है, अब हमें इसको एक बार दोबारा से छानना है। कई बार ऐसा होता है कि हम विस्क तो कर लेते हैं अच्छे से, बट तभी भी कुछ लम्स रह जाते हैं। तो अब हम जब इसको छानेंगे तो वो जो लम्स रह गए या जो मोटा बेसन रह जाता है वो भी निकल जाता है। दोस्तों, कुकिंग का एक बेसिक रूल होता है जो कि हम होटल्स में फॉलो करते हैं, कि आपकी बेसिक प्रिपरेशंस जो है वो पहले हो जानी चाहिए कुकिंग से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही जो हमारी ट्रे है उसको मैंने ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पे अब मैंने इस बैटर को एक फ्राइंग पैन में डाल दिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया, और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो है अभी। इसको अब हम पकाते रहेंगे थोड़ी देर, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो बैटर है ये अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो बेसन जो है वो हमारा पक रहा है, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर निखर के सामने आ रहा है, कलर भी देखिए कितना बढ़िया आ रहा है इसमें। दूसरा, हमें इसको रिड्यूस करना है, तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात भी यहाँ पर हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी आएगी रिबन लाइक। तो चलिए अब इस प्रिपेयर्ड मिक्सचर को हम इस ग्रीस्ड प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो बेसन का मिक्सचर है ये ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने गैस बंद करी, आपको फटाफट इसको स्प्रेड करना होगा ट्रे के ऊपर। तो आप कोशिश यही करिए कि इसको फटाफट से स्प्रेड कर लें आप ट्रे के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर। अगर एक बार ये ठंडा हो जाए तो इसको स्प्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद होगा ये कि थोड़ा ये सेट हो जाएगा। नाइफ की मदद से हम इसमें ऐसे कट वाले मार्क्स लगा देंगे, और जब ये एक बार सेट हो जाएगा तो आप इसको बड़े आराम से ऐसे रोल आउट कर सकते हैं। तो अब इस रेसिपी का आखिरी स्टेप है जिसमें हमें एक तड़का तैयार करना है। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने पैन में डाल दिया तेल थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। इसमें मैं डाल रहा हूँ मोटी सरसों के दाने, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल और सरसों को हम चटकने देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। इन तीनों का जो फ्लेवर है तड़के में वो बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ी देर हम इसको अब थोड़ा सा फ्लेम में कुक करेंगे, और कुक करने के बाद ये देखिए ढंग से पक चुका है। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है, ये अचार वाली मिर्च डाली है यहाँ पर। आप चाहें तो जो हमारी नॉर्मल हरी मिर्च आती है वो भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें इसको जो हमारे तैयार खांडवी हैं उसके ऊपर डालना है, और हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है।